आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच से संबोधित कर रहे हैं। सभी सभी सम्मानित शिक्षक और पत्रकार साथियों, जन्म जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में पूरा राष्ट्र में नमन करता है। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी गुरुजनों को जो राष्ट्र निर्माण में अपने महती भूमिका अदा कर रहे हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। राज्यवासियों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जीवन की शुरुआत उन्होंने शिक्षक के रूप में किया और एक आदर्श शिक्षक कैसे होते हैं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया, और एक शिक्षक से लेकर राष्ट्रभवन राष्ट्रपति भवन करते सफर आप सब जानते हैं। अच्छे शिक्षक, अच्छे राजनेता और बहुत ही बड़े दार्शनिक के रूप में हम सब जानते हैं। मैं उनके योगदान और उनके भारत निर्माण में उनके सहयोग के लिए उन्हें पुनः नमन करता हूँ। देश में अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे वो तो उपराष्ट्रपति से लेकर चाहे राष्ट्रपति से लेकर, उनकी भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। और इसलिए जब राधाकृष्णन जी से पूछा गया कि आप किस रूप में जाना जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षक के रूप में जाना जाए और जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षक जहां बच्चों को अच्छा ज्ञान कराते हैं, वहीं उसमें संस्कार देने का काम, वह बच्चा एक मिट्टी के लोडा के समान समान होता है, उसे करने का काम, उसे रूप देने का काम बिल्कुल करता है, वो शिक्षक ही करता है। इसलिए हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भारत, ताजे भारत में देखें, इतिहास में देखें या पौराणिक कथाओं में देखें, गुरुओं का हमेशा उसकी स्थान रहा है। और गौरव देवी जी ने सबसे पहले तो अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुदेव। गुरु के विशिष्टता के बारे में हम सब जानते हैं। कबीर जी ने भी यही बात कही है, सारे सभी युगों में शिक्षक का विशेष स्थान रहा है। आज वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान स्थिति में हम सब की जिम्मेदारी जो पहले जो बेहतर कर दिखाने की जिम्मेदारी एक चुनौती वर्तमान शिक्षकों की है। छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है शिक्षा क्षेत्र में काम करने की, चाहे हम बस्तर की बात करें, सरगुजा या जसपुर की बात करें, चाहे हम कोमा खान की बात करें, सुदूर अंतरों में बच्चों को मग्र शिक्षा बल्कि उन्हें राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और आज इस अवसर पर सभी शिक्षकों को जो सम्मानित किए जितने यहाँ है, वहाँ राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित हुए, दरअसल कुछ शिक्षकों को नहीं बल्कि शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। और जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित करके महसूस करके सम्मानित हुए। वैसे
ये भी सही है कि एक शिक्षक शिशु के कार्य करते हुए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा और दूसरे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उन्होंने शिक्षकी कार्यक्षेत्र जीवन प्रारंभ करके आज राजभवन तक पहुंची है। उन्हें भी शिक्षक क्योंकि वो भी शिक्षक रहे मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है जो हमारे संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ निर्माण में योगदान दे रही वही जीवन में जो शुरुआत उनको मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षक कार्य को भी प्राथमिकता दी तो मैं उन्होंने उनका भी अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और आप सबसे लोगों को आपकी महती भूमिका और उस भूमिका को आप महसूस करते हुए जो निरक्षरता है जो यहाँ अशिक्षा है उसके खिलाफ एक दीप जलाने का काम करें प्रकाश फैलाने का काम करें एक अच्छे इंसान बनाने के लिए काम करें एक चुनौती आप स्वीकार करें इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको उज्जवल आप सबके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत की भूपुष्प महिला छत्तीसगढ़ बाघेल अपनी गौरवशाली परंपराओं के साथ विकास के पथ पर अग्रसर प्रेरणादायक जीवन यथार्थवादी व्यक्तित्व संघर्षों के बीच रास्ता बनाने वाली माननीय सुश्री अनुसुईया के राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आशीर्वाद शिक्षक दिवस के इस सम्मान समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी शिक्षा मंत्री सम्माननीय प्रेम साहब के काम जी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के सम्माननीय और द्विवेदी जी जयसवाल जी यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण सभी सम्मानी शिक्षकगण पत्रकार बंधु सर्वप्रथम मैं आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही आज दिन सम्मानित शिक्षकगणों का यहाँ जो सम्मान किया है उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही जिन शिक्षकों से मैंने शिक्षा लिया था जिनके कारण मैं पली बढ़ी और आज इस मुकाम पर मैं पहुंची आज वो तमाम शिक्षकों के प्रति मैं उन्हें प्रणाम भी करती हूं और नमन भी करती हूं। निश्चय ही किसी भी देश और समाज में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विज्ञान की रोशनी से विद्यार्थी का जीवन आलोकित करते हैं और उस भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं जिससे देश और समाज के भविष्य का निर्माण होता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई उदाहरण हैं जिससे गुरु को देख कर भी उपमा दी गई है। संत कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काटो लालू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी बताए। इसका अर्थ है गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हो तो उसे पहले प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद
जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंदो जैसे महान शिक्षाविद रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के पूर्व। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ शिक्षा सम्मान